नमस्कार। कला और संस्कृति के इस मंच से मैं प्राची संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्कृति की धरोहर को दर्शाता है ये मंच। आज हम लेकर आए हैं वायलिन वादन और कलाकार हैं उस्ताद फैयाज़ खां। उस्ताद फैयाज़ खां झज्जर घराने से हैं। इनके यहाँ संगीत की परंपरा पिछले 7 पीढ़ियों से है। आप बिल्कुल सही समझ गए, इन्हें तो जैसे संगीत विरासत में ही मिला है। इन्होंने संगीत की शिक्षा ली अपने पिता गुरु उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां साहब से। इन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक की शिक्षा ली श्री राम प्रसाद जी से और उसे आगे बढ़ाया भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमान अली खां साहब ने। फैयाज़ खां साहब आकाशवाणी जयपुर और पुणे में वायलिन वादक भी रहे हैं। Namaskar. I, Kirtana, welcome you to the National Program of Music. As you know, this is a platform for young, talented and dedicated artists. One such is star Hindustani violinist Ustad Faiyyaz Khan. Ustad Faiyyaz Khan has music in his genes. He belongs to an illustrious musical family from the Jhajjar gharana. He began training under his father, Ustad Muhammad Ali Khan. Later, he went on to learn from Ustad Aman Ali Khan from the Bhendi Bazaar Gharana. He also learnt the technique of Western violin playing from Shri Ram Prasad ji. Now, let us watch this video clip to know more about our artist. Ustad Faiyyaz Hussain Khan, जिनका जन्म हरियाणा के झंझर में हुआ और संगीत इनके यहाँ पिछले 7 पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनके दादा उस्ताद कादिर बख्श जी, पिता उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान और आपके बड़े भाई शाबिद हुसैन खान। आपके घराने में सारंगी और गायकी दोनों ही रही, पर आपने चुना वायलिन को। वायलिन एक ऐसा इंटरनेशनल साज है। जब मैंने बचपने में देखा कि पंडित हुसैन लाल को, जो प्रभात फिल्म कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर थे, वायलिनिस्ट थे वो, और मेरे वालिद साहब के गहरे दोस्तों में से थे, वो अक्सर आते थे तो कभी कभी हमारे क्लास में वायलिन बजा के दिखाते थे। तो मैंने देखा कि ये साज भी बड़ा हल्का फुल्का है और दिखने में भी बजाने वाला वायलिन साजिंदा भी बड़ा अच्छा लगता हैगा। तो मैं मेरा अट्रैक्शन वायलिन की तरफ हो गया। वायलिन की वेस्टर्न टेक्निक आपने सीखी मुंबई के मशहूर संगीतकार प्यारेलाल जी के पिता पंडित राम प्रसाद जी से। वायलिन अगरचे अच्छा बजाना है तो उसके लिए वेस्टर्न टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर जब फिल्म इंडस्ट्री में वायलिन को बजाना है तो नोटेशन आना ज़रूरी है, वेस्टर्न स्टाफ नोटेशन आना ज़रूरी है। तो मैंने मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल, उनके पिताजी महान पंडित राम प्रसाद शर्मा से मैंने वायलिन सीखना शुरू किया। उनके पास जाकर मुझे पता चला कि वायलिन का रिच टोन कैसे पैदा किया जा सकता है। मैंने अपने वालिद साहब से वायलिन शुरू में सीखा, क्लासिकी मौसीकी मैंने उनसे सीखी, लेकिन टोन का जहाँ तक ताल्लुक है मुझे राम प्रसाद जी के पास जाने के बाद और प्यारे भैया का वायलिन सुनने के बाद ही पता चला कि वायलिन एक इतने ऊँचे दर्जे का साज है। और फिर ये भी नज़र आया कि वायलिन दुनिया के कोने कोने में बजाया जाने वाला साज है। उस्ताद फैयाज़ हुसैन खान आकाशवाणी जयपुर में कार्यरत रहे वायलिन वादक के पद पर। उसके पश्चात आप आकाशवाणी पुणे आए। पुणे में आप शास्त्रीय संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए सतत कार्य कर रहे हैं। आपके अनेकों शिष्य हैं। उस्ताद फैयाज़ हुसैन खान साहब आकाशवाणी की अहम भूमिका मानते हैं अपने करियर में। आकाशवाणी से तो मेरा ऐसा संबंध रहा है कि मैं लफ्ज़ों में क्या बताऊं। आकाशवाणी मेरे लिए कर्मभूमि, आकाशवाणी में मेरे जन्मभूमि, सब कुछ जो है मेरे वो आकाशवाणी में। मेरे देश के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं मैं उनको ये शारदा देवी का मंदिर समझता हूँ, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने आकाशवाणी में नौकरी की, और नौकरी करते करते मैंने खूब रियाज़ भी किया, अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मुझे बजाने का मौका मिला। तो आकाशवाणी ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। आज उनकी 8वीं पीढ़ी, उनके पुत्र एजाज हुसैन खान झंझर घराने की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उस्ताद फैयाज़ हुसैन खान की शरीके हयात सईदा मशहूर सारंगी वादक अमीर बख्श खान साहब की पुत्री हैं। वो उस्ताद फैयाज़ हुसैन खान की सच्ची दोस्त और क्रिटिक भी हैं। संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र गौरव बाल गंधर्व अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में खान साहब को पद्म श्री पंडित डी.के. दातार अवार्ड से नवाजा गया है। कितना कुछ जानने और सुनने को मिला है ना। तो चलिए बढ़ते हैं संगीत की ओर। उस्ताद फैयाज खां अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग ललित, जो कि एक बहुत ही मधुर राग है, और उसके पश्चात एक धुन। आपके साथ संगति कर रहे हैं तबले पर श्री मिलिंद पोटे, सुरमंडल पर शफात हुसैन और तानपुरे पर अली हुसैन कुरैशी। तो आइए आपको छोड़े जाती हूँ राग ललित के साथ। कलाकार हैं झज्जर घराने के उस्ताद फैयाज खां और आप देख रहे हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। The violin is believed to be introduced to India by the Portuguese, but it's found its inedible position with the bandsmen who played in the East India Company. The violin is thus an integral part of Indian music because of its closeness to the human voice and timbre. Today, Ustad Faiyyaz Khan will play for us Raag Lalit, a beautiful morning soothing rag. This is unique because it uses both madhyamas. We will now listen to Raag Lalit, a serene and calming rag. This is a perfect rag for your morning. Faiyyaz Khan is supported on the tabla by Milind Pote, Tampura Ali Hussain Qureshi and Surmandal Shafat Hussain. You are watching the National Program of Music, Violin Recital by Ustad Faiyyaz Khan.